हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो रिटन टेस्ट का तो सब आपको पता है कि 17 to 18 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है, 2021 की वैकेंसी के लिए। 2022 में जो फॉर्म आए हैं उसका नाउ एपी से अबाउट 2020 वैकेंसीज एंड देयर फाइनल रिजल्ट उसकी बात करें अगर, तो ये समझ लीजिए बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला 2020 का। जिन लोगों ने अभी 2020 का स्किल टेस्ट दिया हुआ है वो वेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट कर दिए गए हैं, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का मतलब वो फॉर्म एसएससी की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है जिसमें आपसे 34 पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग ग्रेड सी एंड डी, मतलब सी और डी दोनों को मिला के 34 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा पिछली बार 2019 के लिए भी हुआ था और ये समझ लीजिए रिज़ल्ट आने और क्या कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट पहले ये फॉर्म निकल आए थे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी पता है नहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी कर दिए गए, तो अच्छी बात है पहले से निकाल देते हैं। देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप समझिए कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस बार वैकेंसी निकाल रहा है, कितनी निकाल रहा है ये नहीं पता चलता है। ये आप अलग से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि 2020 में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं। और अभी थोड़ा वेट करिए, प्रेफरेंस फॉर्म आप निकलवा के रख सकते हैं या थोड़ा और वेट करना हो तो वेट करिए, क्योंकि रिज़ल्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तब तो आप उसको भरिए, वरना आप नहीं भरिए। आई होप कि जो भी मुझे सुन रहे हैं सबका नाम आए, ठीक है, तो उसको जब आपका रिज़ल्ट भी आ जाए, अभी मेरे ख्याल से 5 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, तो रिज़ल्ट आएगा फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकलवा लीजिए, 10 रुपये या 20 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि यूं ही नहीं भरा जाता पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। मान लीजिए इस बार मैंने क्या, मेरा पिछली बार भी सी और डी रिटर्न में हुआ था और इस साल मतलब 2019 में भी सी एन डी के लिए क्वालिफाई किया था मैंने, और 2018 में तो दिया नहीं था, 2017 में भी हुआ था, तब मेरी सी के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, 2019 में भी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने स्किल टेस्ट भी दिया था और रिटन भी दिया था, मतलब रिटन तो देना ही होता है, मतलब सी ओ डी दोनों का स्किल टेस्ट दिया था। फिर 2020 में जो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, इतने नहीं थे, मुझे पता था कि फाइनल में मेरा नहीं होगा, फिर भी हम देना चाह रहे थे क्योंकि इस बार मेरी जो मैम है उन्होंने 9500 के बीच मेरी स्पीड करवा रखी थी, लेकिन लो एनर्जी लेवल यानी कि उस टाइम प्लेटलेट्स कम चल रही थी, बहुत सारा इशू था, तो मेरे पास कोई एक एग्ज़ाम देने का ऑप्शन था, या तो हम डी दे सकते थे या तो सी। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सी का सुबह था डी का शाम को था, अगर सुबह का दे देते तो 3-4 घंटे यार लग जाते एग्ज़ाम में आराम से, तो मैंने सोचा नहीं सी में फाइनल में होगा नहीं, तो हमने डी का ही सोचा तो डी दे दिया। इस बार मेरा डी में हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, आपको पता चल जाता कि आपके कितने मार्क्स में हो जाएगा फाइनल में, कितने की नहीं होगा। तो मतलब रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाए, ठीक है, फिर से कह रहे हैं आप सभी का है, रिज़ल्ट में आपका नाम आने के बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकलवाइए। इसके बाद आप थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देखिए जो हमारे सीनियर जैसे लाइफ ऑफ स्टेनोग्राफर और भी लोग हैं, ठीक है, जो स्टेनोग्राफर है उन्हीं की वीडियो देखिए, तो उनसे समझिए कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में क्या भरा जाता है, तो आपका दिमाग थोड़ा घूमेगा, घूमने दो लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकलती है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों में सबसे भयंकर वैकेंसी निकलती है हर साल, इस बार भी गारंटी के साथ कह रहे हैं उसी में वैकेंसी ज़्यादा आएगी। तो अगर आप पहली बार फॉर्म मतलब आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ है और आप गवर्नमेंट जॉब से मतलब रखते हैं, मतलब आपको ये नहीं कि मुझे वो चाहिए क्या कहते हैं मुझे रॉ में चाहिए या CBI में मुझे चाहिए, मतलब सुन के बड़ा अच्छा लगे मुझे ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए, इस चक्कर मत पड़िएगा। आप जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसको अपनी पहली प्रेफरेंस देना, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा सजेशन है आपको, मैंने ऐसा किया था। देखिए ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है उसकी कट ऑफ कम जाती है, अब वैकेंसी कम है और आपने बहुत सारे लोगों ने भर दिया और आपका आपके मार्क्स जो इन कंपेरिजन टू अदर कैंडिडेट जिन्होंने मान लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, BRO काफ़ी क्रेज़ होता है बॉयज़ में, है ना, तो सिर्फ BRO ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं होता, तो गर्ल्स तो उसमें हाथ ना लगाएं, मतलब BRO आप ऊपर 1 से लेकर 34 तक कहीं पे भी ना भरें, ठीक है। और रिज़ल्ट में अगर आप SSC स्टेनो ग्रेड डी के लिए सिलेक्ट हुए हैं अभी, तो ओनली डी का भरें, सी वाले सारे ऑप्शन छोड़ दें, और अगर आप CoD दोनों में सिलेक्ट हुए हैं
ठीक है, 160 के अबाउट अगर आपके मार्क्स हैं तो कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा सी में भी। और अगर आप सी में भी सिलेक्ट हुए हैं तो आप एक कोशिश करें, ठीक है, कि आप तब सी का ऑप्शन भर सकते हैं। सी में भी इनकम टैक्स होता है, और ये क्या कहते हैं उसको, विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर MFA जिसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, तब आप भर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप डी के लिए सिलेक्ट हुए हों तो सबसे ज़्यादा उसी को पहला प्रेफरेंस दीजिए जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो, ठीक है। मान लीजिए BRO में आपने भर दिया क्योंकि आपको पसंद है, उसमें वैकेंसी कम है, मान लो 7 to 10 है, 20 बच्चों ने BRO भरा और उन 20 बच्चों में 10 बच्चों को जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको तो मिल जाएगा, बाकी 10 को नहीं मिलेगा। अब आपने सेकंड प्रेफरेंस अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को भरा, ठीक है, अब उसके बाद आपको MFA यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपको देखा जाएगा, हो सकता है 4 वैकेंसी हो, बाकी लोगों की आपसे ज़्यादा मार्क्स थे उनको ले लिया गया, आपको नहीं। इस तरीके से जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता था यानी कि इनकम टैक्स, आप उससे भी दूर चले जाओगे। आपको बाद में, क्योंकि आपने उसको पहला प्रेफरेंस नहीं दिया तो आपको बाद में सोचा जाएगा, जब सारे लोगों की पहली चॉइस अगर इनकम टैक्स होगी उनको दे दिया जाएगा तब बचेगा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनके कम मार्क्स आते उनका नहीं हो पाता, जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं बाकी बच्चों से उनका कभी कभी हो जाता, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट वाइजली चूज़ किया था, ठीक है। मैंने देखा वैकेंसी ज़्यादा हैं और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि मेरी चॉइस क्या है, वैसे इनकम टैक्स अच्छी चॉइस है, तो मैंने वो भरा, ठीक है। और सच बता रहे यार, बाकी और डिपार्टमेंट में किसी में भी इतनी ऐसी कट ऑफ नहीं गई थी, मतलब 145 प्लस कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ही गई थी, बाकी सबकी बहुत हाई। तो आपको डरा नहीं रहे, इस बार कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होगी उसको पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, रिजल्ट तक वेट करिए, ठीक है। आपका मानो तो आप डाउनलोड करा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का, और BRO गर्ल्स तो चूज़ ना करें। और वो बॉयज़ जो ये समझ लो जो आर्मी का क्राइटेरिया होता है ना सिलेक्शन का, मतलब आपका मेडिकल नॉर्मल तो होगा जो बाकी स्टेनोग्राफर का होता है, जो यानी कि पहले से अभी हम लोगों का होने वाला है, उससे अलग मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है जो BRO के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप फिज़िकली एकदम एकदम फिट हैं, हाइट वगैरह सही है, आप दौड़ सकते हैं, ये सब करवाया जाएगा, देखिए, ठीक है। और आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप BRO ऑप्शन में भरें, वरना उसको लास्ट में ले जाएं, ठीक है, क्योंकि BRO के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई लेवल का है इन केस ऑफ मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो BRO अच्छी लगे इसलिए नहीं लेनी है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि आप फिट एंड फाइन हैं तो आप BRO लीजिए, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बॉर्डर की बात है, तो यार फिजिकल क्राइटेरिया तो वो लोग अच्छे जज करते हैं। और एक अब मुझे याद नहीं आ रहा, देखिए जब वो शेयर करेंगे वो पेजेस इसी लिंक में शेयर कर देंगे तो आप टेलीग्राम के थ्रू उसको देख सकते हैं। वैसे आप ssc.nic.in पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। मुझे भी वेट है थोड़ा, ठीक है, अच्छा लगता है ना, नाम आ जाता है। क्या बता रहे थे, एक और वैकेंसी है कोई जो सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हैं, तो जो हिंदी वाले हैं वो उसको ना टच करें, कॉलम खाली रह जाए, 34 कॉलम हैं आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के, कोई खाली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो BRO आप चूज़ करेंगे नहीं, इन केस ऑफ यूअर गर्ल आप चूज़ करेंगे नहीं वो, और ये भी मैंने बताया जो सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए वो हिंदी वाले चूज़ नहीं करेंगे, अगर डी में आपको सिलेक्शन हुआ तो सी वाला छोड़ देंगे, तो बॉक्सेस खाली रहेंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वाइजली थोड़ा देखिए, वीडियो वगैरह देखिए, समझिए, मैंने सब कुछ देख के ही भरा था, किससे पूछते, ठीक है, सीनियर स्टेनोग्राफर लोगों को कॉल किया जो हमारे सीनियर्स हैं, तो वो लोग बिजी थे, नहीं रिप्लाई आया, तो मैंने फिर वीडियो वगैरह देख के समझा, और वही मैंने आपको थोड़े शब्द बता दिया, जिसकी वैकेंसी ज़्यादा हो उसकी प्रेफरेंस पहली भरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्कल का यार बहुत लेट होता है काम, मतलब उसमें क्या है, ज्वाइनिंग बहुत लेट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ अपने आसपास के एरिया में ज्वाइनिंग मिल जाती है, इनकम टैक्स में काफ़ी कभी भी दूर मिल जाता है। चलिए, तो और भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आपको इसी वीडियो के साथ थोड़ा सा वो शेयर कर देता है, ठीक है।